हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। की कीमत मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा हो सकती है। धरने का मकसद हुकूमत को बरेलवी मकतबे फिक्र से लड़ाना है ताकि अगले इलेक्शन में नून लीग का वोट बैंक कम किया जा सके। वजीर दाखला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सड़क पर बैठकर वजीर कानून से इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। फैजाबाद धरना खत्म न कराने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। क्या लोगों ने कुरान पाक पर अमल करना छोड़ दिया? क्या अदालतें बंद हो गई हैं? धरने से मुतालिक ISPR की रिपोर्ट मुस्तरद। धरना कायदीन के कारोबार क्या है, उनके पीछे कौन है, क्या ये लोग बाहर से आ रहे हैं जो ISI को मालूम नहीं? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की दोस्ती की पेशकश ठुकरा दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं साबिक वजीर आजम से मुलाकात का कोई मूड नहीं। नवाज शरीफ 30 साल सियासत में जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश में शरीक रहे। वो अपनी जात से निकलकर मुल्क और जमहूरियत का सोचें। अपने दौरे हुकूमत में तमाम वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। अब हमारा हदफ इक्तिसादी शरह नमू को 6% तक ले जाना है। तरक्की के हदफ को पूरा करने के लिए तेल और गैस के ज्यादा जखायर दरकार है। अगले 3 साल में 9 मिलियन टन LNG दरामद करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सिंध के असातिज़ा का कराची में एहतजाज। आर्ट्स काउंसिल चौक पर धरना देने की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज, मुतादिद असातिज़ा जख्मी, कई गिरफ्तार। आज न्यूज की एक और काविश रंग ले आई। स्टील मिल्स के परेशान हाल मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाहें जारी। मुलाजमीन मसले के हल पर आज न्यूज के मशकूर। सिंध असेंबली में जेल और कैदियों को सहूलियात के चर्चे। मंजूर हसन ने कहा कैदियों को अंडे और पराठे मिलते हैं। सर्दी के मौसम में कई लोग जेल आएंगे। MQM के रुकन कामरान अख्तर ने कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियों की खराब हालत का तस्करा किया तो PP रुकन ने कहा आपको अच्छी गाड़ी फराहम करेंगे। बहादुर सपूत को पूरी कौम का सलाम। DI खान में शहीद मेजर इसाक लाहौर में सुपुर्द खाक। पाक फौज के दस्ते की शहीद को सलामी। नमाज जनाजा में वजीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की शिरकत। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के 43% इलाके में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्द तंजीमों के भारत के साथ रवाबित के सबूत मौजूद हैं। चारसद्दा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सुभान खोर के इलाके से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। 40 किलो बारूद समेत बड़ी तादाद में मार्टर गोले और दस्ती बम।